आजकल इन रुखे रुखे पहाड़ों में एक फूल ऐसा है जो बहुत अच्छी तरह से खिला रहता है। अरे जैसे सो के उड़ रहे होंगे ना। अरे मैंने आज मुंह नहीं धोया यार। क्यों नहीं धोया? क्या पता यहाँ कैमरा आता है। हे मेरी सगोर यार, तेरे सगोर क्या बन, बहुत कड़वी हो रही है चाय। अरे यार, और यहाँ पे हमारी फोटोज भी लगी हुई है शादी की। ये मेरे हस्बैंड जी, ये मैं। ये वजन में बहुत भारी है, करीबन 3 किलो से ज्यादा होगा ये, मतलब इतना भारी है ये। और साथ में एक पाथू भी है, इसको तो खोल बोलते हैं गढ़वाली में, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के लगभग 10 बजे का टाइम हो गया है और गुनगुनी सी धूप खिली हुई है, और इसी के साथ त्रियोगीनाड़ गांव और सामने वाली पहाड़ियों के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। बर्फबारी काफ़ी नीचे तक हो गई है और लगातार उन पहाड़ियों पर बादल लगे हुए हैं। मैं और हस्बैंड जी भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अभी हम दोनों की तैयारी हो गई है अपने गांव के एक छोटे से मोहल्ले किमाड़ा मोहल्ले में जाने की, जहां पे हमारा पुराना वाला घर है। तो चलिए खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। जठो जी लोगों का घर ऊपर दिखाई दे रहा है, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो हम भी बढ़ते हैं खूबसूरत सफर में आगे। किमाड़ा मोहल्ला तो नीचे दिखाई देने लग गया है, लेकिन किमाड़ा मोहल्ले में पहुंचने के लिए हमको दूर दूर से घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे गांव की रोड है वो दूर दूर चट्टानों की कटिंग करके और जंगल के बीचों बीच से होते हुए जाती है। फिर भी किमाड़ा मोहल्ले तक रोड नहीं है, हमको पैदल जाना पड़ता है, फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हुए हम किमाड़ा के नीचे रोड में पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है। अब यहाँ से ऊपर चढ़ाई पे चढ़ना होगा, फिर जाके किमाड़ा मोहल्ला आएगा। आजकल इन रुखे रुखे पहाड़ों में एक फूल ऐसा है जो बहुत अच्छी तरह से खिला रहता है, और वो है येलो कलर का ये छोटा सा फूल। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में फ्योली का फूल बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पौधा है और इस पे देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं और कुछ फूल भी रखे हैं। जब ये सारी कलियाँ फूल जाएंगी तब ये टहनी कितनी सुंदर लगेगी, ये देखिए। तो इस बार ये फ्योली का फूल काफ़ी जल्दी खिल गया है और फूल देई के त्यौहार में 8 दिनों तक छोटे बच्चे फ्योली का फूल और बुरांस का फूल मिक्स करके हर किसी की दहलीज पे डालते हैं। किमाड़ा मोहल्ले में बिल्कुल शांत सा माहौल रहता है, और यहाँ देखिए एक नया घर दिखाई दे रहा है किमाड़ा मोहल्ले में, सामने पे पिंक कलर का, और वो घर है मेरे संदीप देवर जी का। बहुत ही सुंदर घर बना दिया है संदीप देवर जी ने। और ये देखिए पहाड़ी कुत्ते इतने डेंजर डेंजर होते हैं, शक्ल से ही डेंजर लगते हैं, लेकिन होते बहुत प्यारे हैं। आजकल पूरे किमाड़ा मोहल्ले का माहौल पीला पीला हो रखा है, सरसों के पीले पीले खेत, और साथ में किमाड़ा मोहल्ले में काफ़ी सारे माल्टों के पेड़ हैं, और इन हरे हरे माल्टों के पेड़ पे देखिए पीले पीले कलर के माल्टे पके हुए हैं। साथ में जितने भी नींबू के पेड़ हैं ना, उन पर भी बिल्कुल पीले पीले कलर के नींबू लगे हुए हैं। तो आजकल गांव में सिर्फ गोबर डालने का काम हो रहा है, वो भी पत्ते वाला गोबर, जिसको कि सल्टी पे डालते हैं। और सासू जी लोग भी गांव से यहाँ किमाड़ा मोहल्ले में गोबर डालने के लिए आ रखे हैं। सासू जी लोगों के उधर साइड काफ़ी सारे खेत हैं, उनकी बहू लोग भी आ रखे हैं। जी कथे डाल निरा दे। अच्छा अभी और डालना बाकी है, तब चाय पे बनाए वा। हमारा घर यहीं सामने पर है और हमारे घर को जाने वाला रास्ता ये वाला है, और हम जा रहे हैं अभी गौरी देवर जी के घर के रास्ते से। गौरी देवर जी ने नया घर बनाया, बहुत ही सुंदर सा घर, और जिस दिन इस घर का गृह प्रवेश था उस दिन हम नहीं आ पाए, तो आज चलते हैं यहाँ से नीचे और गौरी देवर जी का घर आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर आंगन नहीं लगाया, बाद में लगाएंगे। ये देखिए पत्थर ले आ रखे हैं आंगन लगाने के लिए, और ये देखिए सुंदर सा घर। गौरी देवर जी कैसे हो? प्रणाम। ठीक ठाक। अरे जैसे सो के उड़ रहे होंगे ना। अरे मैंने आज मुंह नहीं धोया यार। क्यों नहीं धोया? क्या पता यहाँ कैमरा आता है। ऐसे कि कैमरा आना था तभी मुंह धोना था। अरे यार आज मैं पानी लगाने गया, पानी ही नहीं आ रहा था यार। अरे गौरी देवर जी की भाभी तो देहरादून चली गई, प्रीति भाभी। अभी तो मेरे को यहाँ अकेला हो गया, उदास उदास हो गया भाभी की याद बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा, और अकेले गया पानी लगाने के लिए। चलो बढ़िया, गौरी देवर जी तो फेमस हो गए, यात्री लोग बोलते हैं गौरी देवर जी। बिल्कुल, चलो बढ़िया, और नए घर की बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। आप चाय बनाओ मान ली। ठीक है बैठो। हाँ हाँ बिल्कुल, चाय बनाते हैं आपके लिए। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना, गौरी देवर जी बिल्कुल छोटे से थे, छोटे छोटे है ना। मैं उस टाइम बहुत क्यूट था।
अब क्या हो, अभी भी क्यूट है, लेकिन क्यूट के आगे से दाढ़ी मूछ आ गई, वही बात होगी। सासू जी लोग शायद जंगल जा रखे हैं, जंगल ही जा रखे, हमेशा जंगल जाना होता है क्योंकि गाय भैंस पाली हुई हैं और इधर साइड खेतों में मतलब घास के पेड़ वगैरह नहीं होते हैं, तो जंगल से ही रोज़ घास लाना पड़ता है। तो गौरी देवर जी अपने आग वाले किचन में हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना रहा है। गौरी देवर जी बिस्किट लेके आए, इसको क्यों लाए? ऐसे ही यार, हमेशा तो लाती हूँ आपके लिए। हेलो, कोई बात नहीं, अब मैं खाऊंगा बिस्किट। बिल्कुल बिल्कुल, चाय के साथ, है ना। हाँ। और बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि जब आप किसी के घर पे जाते हो कुछ लेके नहीं जाते हो, गौरी देवर जी कोई दिखाने वाली बात होती है? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप लोग जाते हैं किसी के घर पे मिठाई बिस्किट और जो भी लेके जाते हैं बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह, वो सब चीज़ मैं भी लेके जाती हूँ, लेकिन मुझे दिखाना ना बिल्कुल अजीब सा लगता है। अभी इसलिए दिखाया क्योंकि आपके कमेंट का जवाब जो देना था। तो गौरी देवर जी ने हमारे लिए तैयार कर ली है ब्लैक टी, दूध वाली चाय पीने का मन नहीं हो रहा था। ये ब्लैक से ब्लैक हो गई, ज्यादा ही चाय पत्ती डाल दी, मुझे लग रहा है। चलो कोई, अब आपका सगौर देखते हैं हम कैसा है। हे मेरी सगौर, या तेरे सगौर क्या बन, बहुत कड़वी हो रही है चाय। अरे यार वो पता नहीं ऐसे हो गई ना। तो सामने वाली पहाड़ी पे देखिए, किमाना मोहल्ले की महिलाएं जितने भी जंगल जा रखे थे वो सब लकड़ी और घास लेके घर की ओर आ रहे हैं। तो चले जी, गौरी देवर जी की माँ जी यानी कि हमारी सासू जी भी पहुँच गई है जंगल से। ए जी, क्या ले तुम? अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। गौर फोन, हमने जूम करके आपको देख लिया था उधर पहाड़ी पे, खूब काम हो रहा है। क्या काम था, काम नहीं करना, क्या खाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो गौरी देवर जी ने हमारे पास दे दिया है एक कट्टा, हम माल्टे निकालने वाले हैं, गौरी देवर जी भी हेल्प करेंगे। गौरी देवर जी के माल्टे के पेड़ से निकालने के, यहीं से निकालने। अच्छा, बाद में निकालेंगे, बचा के रखो तभी। हाँ, और अभी चलते हैं अपने घर पे, संध्या भी जंगल से आ गई है तो चलते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा नींबू का पेड़ है, बिल्कुल एक ही टहनी बची हुई है, और ये देखिए इस पे ना बहुत ही भयंकर नींबू लगे हुए हैं। ये देखिए, ये पहाड़ी नींबू हैं, इनका अचार ना बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे है हमारा किमाना वाला घर, एक छोटा सा पप्पी यहाँ पे आया हुआ है और हस्बैंड जी की पैंट गंदी कर ली उसने। हेलो, कितना प्यारा है, इसका कलर अलग ही कलर है, इसका भूरा भूरा, कैसे हो। और ये है हमारा पुराना वाला घर, बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। यहाँ घर पे ना सासू जी हैं और ना प्रीति है, और घर के आगे से नींबू के पेड़ हैं, साथ में माल्टे के पेड़ हैं, और ये माल्टे का पेड़ देखिए सूख भी गया है। तो हमारे इस किमाना वाले घर में मधुमक्खियों का घर भी है, ऐसे दीवार पे पहले से बना रखा है और इन पे मधुमक्खियाँ भी रहती हैं। दो घर हैं, एक ये वाला और एक सामने वाला। तो अब अंदर से भी मैं आपको इनका घर दिखा देती हूँ कैसा होता है, और अपना कमरा भी दिखा देती हूँ जो हमारा किमाना वाला रूम है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है, यहाँ पर काफ़ी सारा सामान अभी स्टोर किया हुआ है देवर जी के नए घर के लिए, प्रदीप देवर जी के नए घर के लिए सारा लाइट का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और कुछ इस तरह का है हमारा रूम, और यहाँ नीचे ना ये मिट्टी का है, इसमें घिसाई लिपाई करनी पड़ती है। और ये मेरी शादी का बॉक्स है, ये वाला, ये यहीं पे रखा हुआ है। ये शादी का बेड है, तो पहले हम यहीं रहते थे, प्रीति के कपड़े वगैरह यहाँ पर हैं, ये बैग वगैरह सब। और ये मेरी शादी का फ्रिज है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह का रूम था हमारा, और यहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं शादी की। ये मेरे हस्बैंड जी, ये मैं, कुछ इस तरह की थी तब, मैं 18 साल की थी और मेरे हस्बैंड जी थे 23 साल के। कितने साल के थे आप? 23 की 25? 23, मुझे तो याद ही नहीं है आपकी एज कितनी है। और अभी देखिए सीलन आ रही है ना ऊपर से, तो मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी इसकी व्यवस्था कर लीजिए, ऊपर थोड़ा फिनिशिंग वगैरह करनी है। और ये देखिए, ये शादी के बाद की है, पहले मैं ऐसे थी, सिंपल सिंपल थी, अभी ऐसी हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज तो आता ही है। और ये दीदी की शादी की, तब हमारे ससुर जी भी जिंदा थे, जेठ जी, दीदी, सासू जी और ससुर जी। तो दीदी की शादी भी ना 18 साल की उम्र में हो गई थी। संदीप देवर जी पहले ऐसे थे, बिल्कुल पतले पतले, ये देखिए। तो सारी फ़ोटोज़ हैं, ये जेठ जी की आर्मी की फ़ोटो है, और यहाँ पर एक फ़ोटो है ये सिंदूर भरते टाइम, तो ये फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए, यहाँ दीवार पे मधुमक्खियों का घर कुछ इस तरह का होता है, बाहर से एक लकड़ी का पट्टा लगाया हुआ है और उसके बाहर से गोबर और चिकनी मिट्टी की लिपाई करी हुई है। अगर इसको खोल देंगे ना तो पूरी मधुमक्खियाँ यहाँ से बाहर आ जाएंगी। एक ये वाला घर है और एक ये वाला घर है।
और जब हम यहाँ बेड पे सोते थे ना तो मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज रात भर सुनाई देती थी। ऐसा लगता जैसे अलार्म बज रहा होगा। बहुत दिनों के बाद अपने पुराने रूम में आना हुआ तो काफी अच्छा लग रहा है। पुराने दिन की याद ताजा होगी। जब मेरी शादी हुई थी तो फर्स्ट टाइम मैं इसी कमरे में आई थी। हम यहाँ नीचे चिकनी मिट्टी की लिपाई करते थे और दीवारें ना वो सीमेंट की हैं। बाद में सीमेंट लगवाया, पहले दीवार भी मिट्टी की थी। और यहाँ इस कमरे में सासू जी ने बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, प्राचीन बर्तन जो उस टाइम पे डेली यूज़ में लाए जाते थे। अब तो स्टील और चीनी मिट्टी ये सब चीज़ बर्तन यूज़ करते हैं। और ये है देखिए कांसे का बर्तन है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में भंगारी बोलते हैं। एक भड्डू होता है, एक भंगारी होता है। भड्डू का जो मुँह है ना वो काफ़ी चौड़ा होता है, इस पर चावल बनाए जाते थे। और ये वजन में बहुत भारी है, करीबन 3 किलो से ज़्यादा होगा ये, मतलब इतना भारी है ये। और साथ में एक पाथू भी है। पाथू माणू ये हमारे गढ़वाली रीति रिवाज में और हमारे गढ़वाल में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मतलब इससे कुछ चीज़ भरा जाता था, जैसे किसी को हमने जैसे राजमा देनी है वो बोलेंगे एक पाथा देना, तो इससे देना है, तो वो फिक्स जब लौटाएंगे ना तो इसी बर्तन से भर के हमको वापस देंगे। तो ये पाथू तो बहुत जगहों पे काम आता है, वैसे शादी ब्याह में अभी भी पाथू का यूज़ करते हैं। तो ये पुराना बर्तन भी सासू जी ने यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने ऊपर से निकाले। मतलब पुराने घरों में ऊपर रेक बने रहते ना, तो वहीं से निकाले मैंने ये। पुराने घर पे पुरानी याद भी ताज़ा हो जाती हैं और पुरानी पुरानी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, सासू जी प्रीति ये सब यहाँ घर पे होते ना तो और भी अच्छा लगता, आराम से उनके साथ बैठ के टेस्टी लंच करते। तो घर के राइट साइड भी एक बड़ा सा नींबू का पेड़ है, इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नींबू लगे हुए हैं। और यहाँ दूसरे साइड की दीवार पर भी एक मधुमक्खी का घर है, मधुमक्खियाँ देखिए आराम से अंदर बाहर कर रही हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। दीदी के शादी का सोफ़ा रखा हुआ है जो कि अब पूरी तरह से ख़राब हो गया है। और यहाँ पर एक कम्बल है और ये भेड़ की ऊन से बनाया गया है, पहले के ज़माने के लोग ऐसी कंबल यूज़ करते थे, ये काफ़ी गर्म होते हैं। अभी यहाँ बाहर पे रखा हुआ है, शायद सुखाने के लिए रखा होगा देवरानी ने। और यहाँ पे 2 कट्टों में खोल रखा हुआ है, इसको तो खोल बोलते हैं गढ़वाली में, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। और जैसे सरसों को पीसते हैं ना तो तेल निकल जाता है, तेल निकलने के बाद जो बच जाता है उसको खोल बोलते हैं। और ये पिंडे का काम आता है, यानी कि गाय भैंसों को देने का काम आता है। तो हमारे घर पे छोटी सी तेल निकालने वाली मशीन है, तो इसलिए ये खोल यहाँ पे जमा हो रखा है। त्रियुगीनार गांव के हिसाब से यहाँ किमाड़ा मोहल्ले में थोड़ा सा गर्मी बनी हुई है, धूप की आंच का पता चल रहा है। और ये जो हमारा किमाड़ा में पुराना घर है, इसकी चिनाई पत्थरों से हो रखी है और साथ में इस पर लकड़ी और मिट्टी का काम भी हो रखा है। तो अब मैं पीछे की साइड से आपको दिखाती हूँ किस तरह से पत्थरों की चिनाई करी हुई है। तो यहाँ देखिए पीछे की साइड से कुछ इस तरह के पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इस पर प्लास्टर वगैरह कुछ भी नहीं हो रखा है। और हमारे घर के बगल पर लोगों की गौशाला है, ये जो डबल स्टोरी गौशाला है ना, ये पहले लोग यहाँ पे रहते थे लेकिन अब गाय भैंसे ही बांधते हैं। और ये त्रियुगीनार वालों की गौशाला है, ऊपर से टिन लगा हुआ है और साथ में पूरे घर की चिनाई पत्थर से करी हुई है। ये देखिए कुछ इस तरह का घर है। ये जो मिट्टी की लिपाई वाले कमरे होते हैं, गर्मियों के महीने में ये ठंडे रहते हैं और ठंडियों के महीने में इनमें अच्छी सी गर्मी बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।